Welcome guys, welcome to GTA Online gameplay. In today's video, I am going to show you how you can easily get 4 early game weapons without spending a dime in GTA Online. These weapons include 2 revolvers, 1 rifle and 1 melee weapon. Also, these weapons are super easy to unlock and these do look good on the GTA Online beginner, if you know what I mean. Some of these weapons will have challenges to complete which will give heavy rewards. I mean, you can make a lot of money as a beginner just by completing these challenges. You can get approx 1 million GTA dollars, a huge amount for a GTA Online beginner. As you can see, these weapons have pretty high damages as well and special abilities as compared to other weapons in the same category. These weapons will be super helpful for beginners. So guys, shuru karte hain ab. सबसे पहले नेवी रिवॉल्वर को अनलॉक करते हैं. दिस रिवॉल्वर कैन बी अनलॉक व्हेन यू स्टेप इनटू GTA ऑनलाइन. 5 क्लू हैं, 5 क्लू हमको ढूंढने हैं और उनको ढूंढने के बाद एक बंदा अपीयर होता है जिसका नाम है स्लैशर. उसी के पास हमको ये नेवी रिवॉल्वर मिलेगी. तो गाइस, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट आवर हैंड्स ऑन दीज वेपन्स. तो हम सबसे पहली लोकेशन पर आ गए हैं जो कि पलिटो फॉरेस्ट में है. यहाँ हमको पहला क्लू मिलेगा. यहीं जा रहे हैं अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ मिलेगा वो पहला क्लू. कहीं भी हो सकता है, रैंडम क्लू होते हैं, आपको बहुत केयरफुली देखना है सब जगह. और ये मिल गया हमको पहला क्लू. ये खूनी पंजा है, हाथ का पंजा जो हमें दिखा है. 5000 रुपये डिपॉजिट हो गए हैं हमारे अकाउंट में. पहला क्लू हमने ढूंढ लिया है. टोटल 5 क्लूज़ हैं तो हमारे टोटल 25,000 हमको क्लू फाइंड आउट करने के मिल जाते हैं. अब हमारा सेकंड क्लू है ग्रेट चैपरल में. ये है उसकी लोकेशन. सेकंड क्लू है हमारा सामने वॉल पर. Can you find me? एक नोट है. तो सेकंड क्लू भी मिल गया है हमें. ₹5,000 और डिपॉजिट हो गए हैं हमारे बैंक अकाउंट में. अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्लू की तरफ जो कि है ग्रैंड सेनियोरा डेजर्ट में. एग्जैक्ट लोकेशन ये है, यहाँ पे मिलेगा आपको. पहुँच गए हैं अब हम. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमको यहाँ पर. ये रहा. इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं हम इसे. ओके, ये सेवर्ड हैंड है, कटा हुआ हाथ हमें मिला है. और इस गेम में आपकी हेल्थ भी इंक्रीज़ होती रहती है. मैक्सिमम हेल्थ अप टू 100 है जो धीरे धीरे इवेंचुअली आपकी इंक्रीज़ होती रहती है जैसे आप 100 रैंक तक पहुंचते हैं. अब हमारा फोर्थ क्लू है ग्रेप सीड में. ये उसकी लोकेशन है, यहीं पे मिलेगा हमको हमारा फोर्थ क्लू. यहाँ तो बहुत ढूंढना पड़ जाएगा लगता है. इस रिवॉल्वर का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा. आप एक शॉट में ही बंदे को ख़त्म कर सकते हैं इस रिवॉल्वर से. तो काफ़ी अच्छी रिवॉल्वर है ये. मिला था हमें क्लू, मिला था यहाँ पर. अरे ये रहा,
हमारा क्लू, मचेटे मिल गई है हमको। ओके, फोर्थ क्लू भी मिल गया है हमको। फिफ्थ क्लू का लोकेशन जो है वेरिएबल लोकेशन है, तीन चार जगह हैं जहाँ पे स्पॉन होता है वो लोकेशन पे, तो हम उसी लोकेशन को जा रहे हैं जहाँ जो बहुत ही इजी है और जहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये है ब्रैडॉक पास में, यहाँ पे ट्रेन ट्रैक है, वहाँ पे हमको एक वैन मिलेगी, टूटी फूटी वैन, उसी में हमारा क्लू मिलेगा हमें। ये रही वो वैन, ये देखिए यहाँ पर है। पहुँचना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ, मिल गया हमारा पांचवा क्लू। अब हमको हमको पांच क्लू मिल गए हैं। अब हमको एक अननोन मैसेज आया है, आई एम सिक ऑफ यू स्टिकिंग योर नोज इन वेयर इट डजेंट बिलोंग, ब्ला 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 शिट, ये सब कर रहा है। और ये बंदा स्पॉन होता है शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, तो हमको ये ग्रेट सन्योरा डेजर्ट में जो हमारा एयरप्लेन ट्रैक है वहाँ जाना है, वहाँ ये बंदा स्पॉन होता है, तो हम वहीं जा पहुँच गए हैं। अब हमें इसका वेट करना पड़ेगा। अरे आ गया ये बंदा, तो आ गया, आते ही इसने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है। थोड़ा मस्ती करते हैं अब हम इसके साथ। आजा आजा हमारे पीछे पीछे आजा भाई, आजा, अरे आजा यार, चलो बहुत मस्ती हो गई। अरे ये तो मर ही नहीं रहे, तीन शॉट तो मैं उसे मार चुका हूँ शॉटगन के, इतने क्लोज शॉट मार चुका हूँ। फाइनली स्लैशर किल्ड, यू नाउ ओन द नेवी रिवॉल्वर। और हमको 50,000 रुपीज़ में हमारे मेज बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं, तो टोटल 75,000 हमको मिल गए हैं। और इसी रिवॉल्वर के साथ मिलने के साथ हमारा एक चैलेंज अनलॉक होता है, गेट 50 किल्स विद द नेवी रिवॉल्वर टू अर्न ए GTA डॉलर रिवॉर्ड एंड अनलॉक एन एक्सक्लूसिव वेपन इन रेड डेड ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे भी हमको फ़ायदा होगा और रेड डेड ऑनलाइन में भी हमको एक वेपन मिलेगा यहाँ पे, इसको ये चैलेंज कंप्लीट करने पर। तो गाइस चलो ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं। 50 किल्स हैं, 50 हेडशॉट्स भी नहीं है, 50 किल्स हैं नॉर्मल, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, आप कोई भी मिशन में जाकर के ये किल्स कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज NPC प्लेयर्स को आप मार सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के साथ ही आपको मिलेंगे 200,000 GTA डॉलर्स, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है एक बिगिनर के लिए। और इस वेपन का एक वेरिएशन आप जो है रेड डेड रिडेम्पशन में भी अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारा सेकेंड वेपन है स्टोन हैचेट, ये मिली वेपन है, इसमें हमको 300,000 कैश मिलता है। एक लेडी आपको फ़ोन करेगी, मॉड नाम है उसका, कुछ लोगों पे बाउंटीज़ हैं, वो उनको कलेक्ट करने के लिए बोलेगी, वो बंदों को लाने के लिए बोलेगी, उनमें से एक बंदा ये है जिसका कुछ नंबर भी है। ओके ठीक है, इसको हमें कैप्चर करके मॉड को देना है, तो वो हमें कुछ अमाउंट देगी। ओके ठीक है, तो चलो चलते हैं अब हमारी पहली लोकेशन पे। जैसे ही हम ये ईमेल को देखेंगे, ईमेल को देखने के बाद एक ये एरिया पॉपअप हो जाता है GTA मैप में लोकेशन के साथ, इस एरिया में हमको इस बंदे को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अब उसी लोकेशन में, अब हम उसी लोकेशन में पहुंच गए हैं। अब जैसे ही हम उस एरिया में पहुंचते हैं, यू आर नियरिंग द बाउंटी टारगेट्स लास्ट नोन लोकेशन, सर्च द एरिया टू फाइंड एंड कैप्चर द टारगेट। ओके, अब हमें इतने बड़े एरिया में इसको सर्च करना है कि ये कहाँ पे मिलेगा। बट एक अच्छी बात है, आप जैसे ही इसके पास आने लग जाएंगे, कुछ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड होती जाती है। द साउंड ऑफ बेल्स कैन बी हर्ड व्हेन नियरिंग द लोकेशन ऑफ द बाउंटी टारगेट, यूज दिस टू हेल्प यू ओके टू फाइंड देम। ठीक है,
एंड लार्जर रिवॉर्ड विल बी गिवन इफ द बाउंटी टारगेट कैप्चर्ड अलाइव। ओके, अगर हम उसको अलाइव कैप्चर कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर हम उसे मार देते हैं तो पैसे तो मिलेंगे लेकिन थोड़े कम पैसे मिलेंगे। तो आई थिंक हमने पहला अपना बाउंटी टारगेट ढूंढ लिया है। ये रहा बंदा, ये दिख गया है हमें, अब बस हमें इसे कैप्चर करना है। तो पहले हम शूट कर लेते हैं इसे, लेग पे शूट करेंगे हम इसे। आहा, गिर गया ये। और एक और शूट मार देते हैं इसे फटाफट। चलो, और इसने हाथ खड़े कर दिया, अब ये इसने हमको सरेंडर कर दिया है। और ये पुलिस भी आ गई है यहाँ तो। अरे यार, ये कॉप्स पीछा नहीं छोड़ते कहीं भी, बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलो आंटी, बाहर निकलो फटाफट। चल भाई, आ जा, बैठ जा फटाफट गाड़ी में। हाँ ठीक है, चलो अब कॉप्स को वेट करते हैं और इसे लेके चलते हैं अब मॉट के पास। तो कॉप्स को तो इवेट कर दिया है हमने, अब हम मॉड की लोकेशन मैप में देखते हैं कहाँ पे है मॉड। ये रही मॉड की लोकेशन। ओके चलो फिर यहाँ चलते हैं फटाफट। ये हम पहुँच गए हैं और हमने डिलीवर कर दिया है बंदे को। यहाँ पे कुछ फिगर्स भी होती हैं, एक्शन फिगर्स जो हमें कलेक्ट करनी होती हैं, उसके भी हमको कुछ अमाउंट मिलता है और आरपी मिलती है। तो पहला बंदा हमने जो है मॉड को दे दिया है, बाउंटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मॉड आपको दोबारा मैसेज करेगी सेकंड बाउंटी के लिए। मॉड विल बी इन टच अगेन सून विद डिटेल्स ऑन द बाउंटी टारगेट। ओके, उसने हमको मैसेज कर दिया है, गुड वर्क ऑन द कैप्चर। चलो भाई, उसने हमको दोबारा जो है एक ईमेल कर दिया है नेक्स्ट बाउंटी के लिए। हर बाउंटी को कलेक्ट करने के आपको मिलेंगे $10,000 अलाइव, और अगर आप उसे मार देते हैं तो आपको $5,000 मिलते हैं। तो ये हमारा सेकंड बाउंटी है, हम इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार ही हमने वेपन यूज़ नहीं किया है, मिली अटैक कर रहे हैं हम इसके पास, तो बहुत टाइम लग रहा है हमें। चलो, इसने हाथ खड़े कर दिए हैं, अपने हाथ ऊपर उठा लिए हैं, अब हम इसे लेके चलते हैं। चल भाई, आ जा फटाफट, आ जा गाड़ी में बैठ जा। अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है। चलो भाई, आ गया, बैठ गया ये गाड़ी में भाई। अब चलते हैं मॉड के पास, फटाफट इसे मॉड को दे देते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा वहां पर। राइट, तो बिगिनर लेवल पे ये काफी अच्छा मिशन है, काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको इनको करने के। टोटल 5 बाउंटीज होती हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है, और उन 5 बाउंटीज को कंप्लीट करने के आपको 50,000 मिल जाते हैं एट मैक्स। एंड 25,000 आप बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते, बंदों को मार देते हो तो भी आपको 25,000 मिल जाते हैं। अगर आप उन्हें मारते नहीं हो, मैं मॉड को ला के देते हो, तो आपको $50,000 मिल जाते हैं। काफ़ी ईजी मिशन हैं ये, बट आपको काफ़ी टाइम लग जाता है इनको करने में, क्योंकि इन बंदों को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये बंदा हमारे सामने है, हमें मिल गया है ये तीसरा बंदा, सामने ही खड़ा था ये बैंक के। और बहुत मारना पड़ रहा है इसे। चलो, कर दिया इसने फटाफट अपने हाथ खड़े। अब वही हमको सेम रिपीटेशन करना है, मॉट के पास इसे लेकर के जाना है और हमारी बाउंटी कंप्लीट करनी है। लेकिन जब आप 5 टोटल ऐसे बाउंटी टारगेट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, जब हम 5वां बाउंटी टारगेट कंप्लीट करते हैं तो हमको असली सरप्राइज देती है मॉट। हमें एक ट्रेजर चेस्ट का पता बताती है वो, जो कि हमें जाकर के ढूंढना है वहाँ पर। तो चलो, इसे फटाफट लेकर के चलते हैं मॉट के पास। चलो, पहुंच गए हम लोग मॉड के पास। बाउंटी हमारी हो गई है कंप्लीट, बाउंटी का टारगेट वाज कैप्चर्ड। ₹10,000 हमको मिल गए हमारे बैंक अकाउंट में। तो ऐसे 5 टारगेट्स हैं जिन्हें आपको पकड़ के मॉड को देना है। फाइनल बाउंटी टारगेट देगी मॉड आपको, तो फाइनल बाउंटी टारगेट की लोकेशन भी आपको सेम पैटर्न से मैप में मिल जाएगी। ये हमारा फाइनल बाउंटी टारगेट जिसे हमें पकड़ के मॉड को देना है। तो हमने ये डिलीवर कर दिया है मॉड को। अब मॉड का हमारे पास मैसेज आया है कि
सारे रिप्रोब्रेट्स की लिस्ट क्रॉस ऑफ हो गई है और अब वो शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सकती है। द टारगेट सीक्रेट स्टैश हैज़ बिन रिवील्ड। अब एक सीक्रेट स्टैश हमको जो टारगेट है वो रिवील हो गया है और अब हमको वहाँ जाना है। जब हम 5 टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं तब ये हमको रिवील होगी लोकेशन। अब हमें वहाँ जा कर के वो कलेक्ट करना है टारगेट। ये है पास में ही हमें लोकेशन, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं। ये रहा चेस्ट हमारा, सामने ही दिख गया है हमें। प्रेस राइट डायरेक्शन टू ओपन द चेस्ट। चलो भाई फटाफट ओपन करते हैं इसे अब हम। और इसमें से मिलेगा हमको स्टोन हैचेट, जो कि बहुत ही तगड़ा वेपन है। इसमें स्पेशल एबिलिटी है जो रैम्पेज मोड एक्टिवेट करता है और बहुत ही आसानी से हम लोगों को मार सकते हैं इससे। यू नाउ ओन द स्टोन हैचेट, ट्रेजर फाउंड। ओके फाइन, अब हमें इसका चैलेंज कंप्लीट करना है। गेट 25 किल्स विद द स्टोन हैचेट टू अनलॉक ए GTA डॉलर रिवॉर्ड, एन एक्सक्लूसिव वेरिएशन इन रेड डेड रिडेम्पशन। तो ये बहुत ही आसान है, आप कहीं भी जाइए, ये NPC प्लेयर्स होते हैं, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स। इनको 25 किल्स आप इनसे को मार के कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मारते हैं आपकी एक रैम्पेज स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसे आप ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं। आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है ये वेपन। अरे भाई क्या शॉट है, सीधा खोपड़े पे। स्टोन हैचर चैलेंज कंप्लीट हो गया है हमारा। लॉग इन टू रेड डेड रिडेम्पशन टू, और हमारे बैंक में आ गए हैं $250,000, ओके, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है एज अ बिगिनर। सो इन टोटल हमको $300,000 मिल जाते हैं ये चैलेंज कंप्लीट करने के। नेक्स्ट है हमारा डबल एक्शन रिवॉल्वर, जो कि आपको 250,000 कैश देता है, जो कि सीधा बैंक अकाउंट में जमा होता है। इसके लिए आपके पास एक मेल आता है, उस मेल को आपको चेक करना है, जिसमें एक ट्रेजर हंट की लोकेशन दी होती है। तो अब हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अब हमें यहाँ पे ट्रेजर हंट फाइंड आउट करना है कि वो हंट ट्रेजर कहाँ पर है। और हमको यहाँ पे क्लू मिलेगा उनसे, जिन क्लू को हमें सॉल्व करना है, जाकर के फाइंड आउट करना है उन्हें क्लू को, और फिर वो क्लू अगेन हमको लेकर के जाएंगे डबल एक्शन रिवॉल्वर के पास। तो अभी हम पहला क्लू ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। आपके पास 20 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये ट्रेजर हंट कर सकते हो आप। तो मेरे पास ये रैंडम लोकेशन आई थी। ये बॉल को गिरा के देखते हैं यार, ये कर क्या रहा है। अरे ये तो रुकी गई यहाँ पर। यू आर नियरिंग द लोकेशन पिक्चर्ड इन द ईमेल। ओके, सर्च द एरिया टू फाइंड द ट्रेजर। ठीक है, जो पिक्चर आई थी ईमेल में वो हमें चेक करना है यहाँ पर कहाँ पर है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेजर हंट मिलेगा पास वाले एरिया पे। अब मुझे जो पिक्चर आई थी उसमें दो पहाड़ बने हुए हैं सामने। vanderlinde@ifind.com से आई थी मुझे। ये देखिए दो पहाड़ बने हुए हैं और साथ में एक पेड़ है छोटा सा और रेलिंग बनी हुई है। तो ये बिल्कुल हमारी लोकेशन है जहाँ से हमें फाइंड आउट करना है इसे, अपने ट्रेजर को। ये रे दो पहाड़ और ये रेलिंग बनी हुई है, और ये पेड़ भी दिख गया है हमें यहाँ पर, ये रहा पेड़। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गए हैं। अब बस हमें वो ट्रेजर लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे है वो ट्रेजर। और ये ईमेल आपको जैसे ही आप गेम में एंटर करते हैं, GTA ऑनलाइन में एंटर करते हैं, वैसे ही आपके पास आ जाता है। तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा चांस होता है इस गन को एक्वायर करने का सबसे पहले, क्योंकि इस गन का डैमेज काफ़ी हाई है। तो ये आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें। और ये ट्रेजर फाइंड आउट करना काफ़ी बड़ा एरिया हमको शो होता है जहाँ पे हमें ट्रेजर फाइंड आउट करना होता है, तो इतना आसान नहीं होता है इसको फाइंड आउट करना। बट आप अगर थॉरली उस एरिया को स्कैन करेंगे तो आप इवेंचुअली जो हमारा टारगेट एरिया है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और ट्रेजर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गए हैं। अब हमने एरिया को काफ़ी सर्च कर लिया है,
इधर से उधर घूम लिया है हमने सब जगह, ऊपर पहाड़ पे भी चढ़ लिया हमने कहीं वहाँ ना हो, लेकिन हमने ये बोर्ड को चेक नहीं किया अभी तक। अब हम चलते हैं बोर्ड को चेक करते हैं, ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और हमको यहीं पे मिल गया क्लू। ओके, ये मैसेज है जो हमें मिला है कि ट्रेजर टोज अवर फैमिली अपार्ट, डिटेन्ड हियर नो मोर। ये तो हमारे साथ लफड़ा हो गया। ट्रेजर हंट, इन्वेस्टिगेट ऑल क्लूज टू फाइंड द ट्रेजर। अब हमें और क्लूज मिल गए हैं जो कि हमें ट्रेजर तक लेके जाएंगे। तो अब हमें मैप में चेक करना पड़ेगा, द ट्रेजर हैज़ बीन मूव्ड, फाइंड एंड इन्वेस्टिगेट द रिमेनिंग क्लूज ? टू रिवील द एरिया इन द मैप। ओके, तो अब हमें मैप में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो लोकेशन। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क की लोकेशन हमको मिल गई। अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ जाकर के हमको चेक करना पड़ेगा कि अब यहाँ क्या कह रहा है ये। ऐसे तीन क्लूज मिलते हैं हमें आगे जो कंप्लीट करने होते हैं इस गन को अनलॉक करने के लिए। तो अब हम वही चलते हैं उस ट्रेजर हंट पे। ये हमें मिल गया है, ये केव के अंदर था, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, 1/3 क्लूज डिस्कवर्ड। ये हमारा पहला क्लू है जो हमें मिला है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्लू की तरफ जो कि है सैंडी शोर्स में। ओके, सैंडी शोर्स में बीच एरिया में आ जाते हैं हम। ओहो, ये तो यहाँ पे आ गए हैं हम। सर्च द एरिया फॉर द ट्रेजर हंट क्लूज। ओके, ये देखिए ये एरिया बना हुआ है, राउंड सा एरिया, आधा पानी में है आधा ज़मीन पे है। तो हमें यहीं जाकर के चेक कर लेते हैं पहले ज़मीन वाले एरिया पे। ओ, प्रेस दिस टू, हमको मिल गया है क्लू और ये शॉवल मिल गया है हमें। ओके, 2/3 क्लूज डिस्कवर्ड। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्लू में जो कि है आपका ग्रेप सीड में। ओके, ग्रेप सीड एरिया में है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा जहाँ पे हमें ढूंढना है, इसे प्लेन एरिया में है। फाइनली काफ़ी देर स्पेंड करने के बाद, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हमको एक क्लू मिल गया है यहाँ पर। प्रेस राइट बटन टू इन्वेस्टिगेट द क्लू। ओके, एक एम्प्टी बॉक्स मिल गया है हमको। तो हमारे तीन क्लू हमको डिस्कवर हो गए हैं फाइनली, हमने कर लिया तीन क्लू को डिस्कवर। अब हमें एक मेन लोकेशन आएगी जहाँ हमें जाना है और हमारा डबल एक्शन रिवॉल्वर हमारा वेट कर रहा होगा वहाँ पर। द फाइनल लोकेशन ऑफ द ट्रेजर हैज़ बीन रिवील्ड, गो देयर टू अनलॉक द चेस्ट। ओके, तो चलते हैं अब हमारे फाइनल लोकेशन पे। गो देयर टू अनलॉक द चेस्ट एंड कलेक्ट द रिवॉर्ड। ओके फाइन, तो हमने इसमें पहले हमको एक एक मेन क्लू मिला, उसके थ्री सब क्लूज मिले और थ्री सब क्लूज को फाइंड आउट करने के बाद हमको मेन रिवॉल्वर मिला है इसमें। काफी टाइम टेकिंग है ये मिशंस, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिवॉर्ड इज़ वेरी हाई। आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है ये चैलेंज कम्प्लीट करने में, डबल एक्शन रिवॉल्वर चैलेंज जो है उसको कम्प्लीट करने में। और डबल एक्शन रिवॉल्वर का डैमेज काफ़ी हाई है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है गेम के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम में। ये कुछ डेड बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं बट हमें चेस्ट दिख गया है यहाँ पर। प्रेस दिस टू ओपन द चेस्ट। ओके, ये है डबल एक्शन रिवॉल्वर, गोल्डन कलर का रिवॉल्वर है ये। यू नाउ ओन द डबल एक्शन रिवॉल्वर। ओके, गेट 50 हेडशॉट विद द डबल एक्शन रिवॉल्वर। अब हमें 50 हेडशॉट्स चाहिए, सेम है ये जैसे हमको मिला था नेवी रिवॉल्वर जैसा, उसमें हमें 50 किल्स चाहिए थे पर, बट इसमें हमें 50 हेडशॉट्स चाहिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ये चैलेंज, क्योंकि आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी मिशन कर लीजिए, NPCs कर लीजिए। तो हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, डबल एक्शन रिवॉल्वर हेडशॉट चैलेंज कंप्लीट हो गया है। और ये गन का एक वेरिएशन आपको रेड डेड रिडेम्पशन में भी मिलेगा और हमने $250,000 कमा लिए हैं। अब हमारा लास्ट वेपन है सर्विस कार्बाइन। ये वेपन बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद है आपके लिए। ये वेपन को कंप्लीट करने में आपको मिलते हैं 75,000 कैश एंड इस वेपन का प्राइस है $370,000 जो कि टोटली फ्री है। आपको एक पैसा नहीं देना है इस वेपन के ऊपर। और ये इसका डैमेज काफ़ी हाई है और ये राइफल है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये और प्लेयर से जब आप फाइट करते हैं तब। तो इस एरिया में तो आपको थोड़ा जहाँ पुलिस कॉप्स होंगे वो एक एरिया में सर्च कर रहे होंगे क्राइम सीन को, आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जा कर के आपको फिर ये एविडेंस कलेक्ट करना होता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा हम यहाँ पे मस्ती करते हैं पुलिस के साथ, देखते हैं पुलिस क्या करती है हमारे साथ। जैसे ही हम पुलिस के पास गए उसने हमको दूर जाने के लिए कहा है। कह रही है हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ से भागो। लेकिन हम भी थोड़े जिद्दी हैं, थोड़ा रुक करके देखते हैं क्योंकि हमें वो एविडेंस चाहिए। हेलो अंकल, अंकल मुझे वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने दो और मुझे मेरा वेपन का पार्ट लेने दो। ये तो कुछ कह ही नहीं रहा यार। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। मना कर रहा है यार ये तो हमें, अंदर ही नहीं जाने दे रहा। You have no business here. Hey, we got a problem here. Get out of here, buddy. Hey, asshole, what are you doing? Get your ass out of here. गन पॉइंट आउट कर दी इसने, भागो यार यहाँ से, मार रहा है हमें। अरे भाई, तो यहीं तक था हमारा मजाक, तो हमने उन्हें भगा दिया है। अब भगाने के बाद हम फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं अपने वेपन पार्ट्स। ये रहा पार्ट। तो जो पहला पार्ट हमने कलेक्ट किया था वो बैरल था, सेकंड पार्ट हमारा मैगजीन है। ओके, ये भी कलेक्ट कर लिया हमने। थर्ड पार्ट हमको रिसीवर मिलेगा, फोर्थ पार्ट स्कोप है और फिफ्थ पार्ट है साइट्स। तो ये टोटल पांच पार्ट है जो हमको कलेक्ट करने हैं। दो तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, अब तीसरे में हम देखते हैं इनको शूट कर देते हैं। शूट करके फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो मुझे मज़ा नहीं आता पुलिस को शूट करने में, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने इन्हें शूट नहीं किया तो ये तो मुझे शूट कर देंगे, और हमें ये वेपन फ्री में चाहिए तो हमको ये वेपन तो चाहिए। और साथ में हमें $5,000 मिलते हैं इस वेपन पार्ट को कंप्लीट करने में। एक एक वेपन पार्ट को लेने में हमको मिलते हैं $5,000, तो टोटल $25,000 हमको वो मिल जाते हैं। प्लस वेपन कंप्लीशन पे भी हमको कुछ मिलेगा, वो हम चेक करेंगे कितना मिलेगा। और 370,000 हमको अप्रॉक्सीमेटली मिलता है ये वेपन का प्राइस टोटली फ्री। अब हमने तीन पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम चौथे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सर्च द क्राइम सीन फॉर एविडेंस टू कलेक्ट। अब हमने एक नया तरीका फाइंड आउट किया है ताकि हम कॉप्स को ना किल करें और हमारा काम भी बन जाए। इसके लिए हम इन पे टीयर गैस थ्रो करेंगे, टीयर गैस से ये लोग भाग जाते हैं और हम थोड़ी देर बाद आकर के अपना किसी को मारे बिना ये वेपन कलेक्ट कर सकते हैं, वेपन पार्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पुलिस लगी हुई है, अब हम टीयर गैस सेलेक्ट कर लेते हैं। टीयर गैस सेलेक्ट करने के बाद हम इन पे थ्रो करते हैं। अरे ये होमिंग वेपन कहाँ से सेलेक्ट हो गया यार। चलो टीयर गैस ले ली हमने, अब फटाफट से फेंक देते हैं टीयर गैस। ये लो, फेंक दी हमने टीयर गैस। अब हम भाग लेते हैं यहाँ से, थोड़ा छिप जाते हैं, देखते हैं इनका क्या एक्शन रहता है। आई थिंक चले गए हैं वो लोग। अरे नहीं गए, ये तो ऊपर छत पे चढ़ गए हैं, अब ये हमारे पीछे आ रहे हैं। अब भागना पड़ेगा यहाँ से हमें। मैंने सोचा था पास में ही काम हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। चलो हम थोड़ा पुलिस को इवेट करके आ गए हैं। आपके पीछे पुलिस लग जाती है, कॉप्स लग जाती है। यू हैव टू लूज द कॉप्स एंड देन कम बैक।
गेट दिस वेपन पार्ट। चलो अब कोई नहीं है यहाँ पर, अब हम फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं हमारा ये फोर्थ वेपन पार्ट। प्रेस दिस टू स्टील द एविडेंस। ओके, हमने राइट बटन क्लिक करके ये एविडेंस को कलेक्ट कर लिया है। सर्विस कार्बाइन 4x5 कंपोनेंट्स कलेक्टेड। अब हमारा एक ही पार्ट रह गया है। तो लास्ट पार्ट भी हमारा सेम लोकेशन पे है। कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे ये स्पॉन होता है, तो आप लोकेशंस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो तीन लोकेशंस पे ही स्पॉन होता है ये, और आप उन लोकेशंस को रिमेंबर कर सकते हैं कि पहली लोकेशन में अगर आपका स्पॉन हुआ है तो आप उन्हीं लोकेशंस में जा जा करके देखते रहिए, तो ये स्पॉन होता रहता है क्योंकि ये मैप ब्लिप इवेंट है। तो जैसे ही आपको ये मैप में ब्लिप करेगा, आपको वहाँ जा करके चेक करना है कि आपको ये वेपन पार्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमारा लास्ट पार्ट है, हम थ्रो कर देते हैं टीयर गैस। ये प्रोसेस थोड़ा रिपीटिशियस है बट बहुत ही आसान है, और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये बहुत अच्छी गन है, इसका डैमेज सबसे ज़्यादा हाई है राइफल्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इसे एक्वायर कर सकते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट का क्लू है, हमारा 5x5 पार्ट कंपोनेंट है ये। हमारा सर्विस कार्बाइन अनलॉक हो गया है, हमें $50,000 मिल गए हैं, तो टोटल $75,000 हमको मिल गए हैं, और प्लस जो वेपन प्राइस है वो टोटली फ्री हो गया है, हमने वेपन को एक्वायर कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वेपन है कैसा। ओके, हाँ झकास, बहुत ही धांसू वेपन लग गया है हमारे हाथ। सो गाइज, दिस इज इट गाइज, it's so easy to get these four weapons early in the game, which will look good in your arsenal as well as in your bank account also. These weapons can give you approx 1 million in the beginning of the game, which is supportive in many ways. Guys, if you like this video, then don't forget to subscribe the Nilescum and click bell icon for more updates. Stay tuned for more content on GTA Online. Guys, if you have any suggestions, comment down below. I repeat, comment down below. The Nilescum, sign in, off.